औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर हसन नकवी, होम्योपैथी फिजिशियन। डियर व्यूवर्स, आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है कैम्फर मेडिसिन, कैम्फर टीस, इसके सिम्टम्स और फिर इन सिम्टम्स पर ये मेडिसिन आप कैसे यूज़ कर सकेंगे, इसका तरीकाकार भी आपसे शेयर करूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगर किसी की ख्वाहिश जुमा कम हो जाए और उस तरफ ध्यान ना जाए तो ख्वाहिश जुमा को बढ़ाने के लिए कैम्फर 30 पावर में 5-5 कतरे दिन में 3 बार और मेडिसिन का यूज़ है 2 वीक्स, यानी 2 हफ्ते तक ये मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है इससे आप नॉर्मल हो जाएंगे। अगर किसी का यानी किसी मरीज़ का जिस्म बर्फ़ की मानद ठंडा हो जाए, ठंडे पसीने आए, साथ ब्लड प्रेशर लो हो जाए और चक्कर आएँ और आलत नज़ा जैसी कैफियत पैदा हो जाए तो ये वक्त है कैम्फर मेडिसिन का। कैम्फर 30 पावर में 5-5 कतरे हर 15 से 20 मिनट तक, जब तक मरीज़ की आलत बेहतर नहीं हो जाती, आप मरीज़ को यूज़ करवा सकते हैं और ऐसे में मरीज़ को इमरजेंसी से आप निकाल सकते हैं। अगर सर्दी से या ठंड लगने से कोई बहुत ज़्यादा जिकल हिस हो, यानी उसका जिसम जो है बॉडी जो बहुत ही सेंसिटिव हो और दर्दें बढ़ जाती हों तो कैम्फर मेडिसिन से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। 5-5 कतरे दिन में 3 बार और मेडिसिन का यूज़ है 1 वीक, यानी 1 हफ्ते तक ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं और मेडिसिन अपने 30 पावर में लेनी है। नज़ला ज़ुकाम की अब्तदाई जो स्टेज होती है इसमें ये बहुत अच्छा असर करती है, जब सर्दी लगे और साथ छींके शुरू हो जाएँ तो ये मेडिसिन कैम्फर 30 पावर में 5-5 कतरे दिन में 3 बार और मेडिसिन का यूज़ है 5 दिन तक। इसके अलावा अचानक सदमों की वजह से जिस्म ठंडा और ब्लड प्रेशर लो, चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा आ जाना, तो ये तमाम अलामतें कैम्फर मेडिसिन की हैं, तो कैम्फर मेडिसिन यूज़ करवा कर आप इन अलामात से पेशेंट को सेहतयाब कर सकते हैं। ऐसा बुखार जिसमें जिस्म ठंडा हो यानी गर्म ना हो, मसलन बुखार तो होता है लेकिन जिस्म ठंडा रहता है, तो ऐसी सूरत में कैम्फर मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है, तो ये मेडिसिन आप यूज़ करवा कर पेशेंट को सेहतयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। अगर किसी को बग़ैर किसी वजह के पेशाब देर से आए, मसलन जब कोई इंसान पेशाब के लिए बैठता है तो पेशाब थोड़ी देर के बाद आता है, तो ऐसी सूरत में भी कैम्फर मेडिसिन आपको फ़ायदा दे सकती है। 5-5 कतरे दिन में 3 बार और मेडिसिन का यूज़ है 5 डेज, यानी 5 दिन तक। गैनोरिया यानी सुजाक की वजह से अगर अजवत नासिल में टेढ़ापन पैदा हो जाए तो इस टेढ़ापन को ठीक करने के लिए भी आप कैम्फर 30 पावर में 5-5 कतरे दिन में 3 बार और मेडिसिन का यूज़ है 10 डेज, यानी 10 दिन तक ये मेडिसिन आप यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी की किसी मेडिसिन से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो जाए तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, यानी उनके असर को ख़त्म करने के लिए भी कैम्फर मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। डियर व्यूअर्स, आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक था वो कैम्फर मेडिसिन का था, इसके सिम्टम्स मैंने आपसे बयान किए और इन सिम्टम्स पर ये मेडिसिन आप कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं इसका तरीकाकार भी आपसे मैंने शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और आप इससे फ़ायदा लेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और डिज़ीज़, किसी और मेडी पर। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।